जीके? क्यों जीके? जीके तो बड़े लामे के करप्शन दे। नहीं नहीं है, सब ये पॉलिटिक्स ही है। ये माए पार्टी तगड़ी है, अकाली दल वो बेचारा माड़ा रह गया, उन्होंने माए एवं इंग्लैंड च कटवाया ही, इन्हें कटवाया। उत्तराखंड चुनाव वोटा आ रही है, वोटा बनाई है अपनी? वोटा हाले नहीं बनाई है। क्यों नहीं बनाई है? बड़ा अलग टाइम है वोटा। कमेंट करांगा तो फिर वही गल आ जाती है, दूजी आ जाती पॉलिटिक्स वाली गल आ जाती है। बंदा जिहड़ा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी च आए वो होना चाहिए अमृतधारी होए, उन्हें गुरबाणी का ज्ञान होए, गुरु मर्यादा का ज्ञान होए। लंगर का सिर्फ और सिर्फ जिहड़ा प्रचलन है वो पंगत च संगत और पंगत पंगत च बह के संगत होंदी है। संगत जिहड़ा व्हील दे उत्ते असी लंगर ते दूजे लंगर असी नगर कीर्तना ते लंगर इन्होंने चीज़ों के खिलाफ है। मैं लंगर ऑन व्हील की मर्यादा हैगी है गुरुद्वारे की? नहीं, ये ऑन व्हील मर्यादा नहीं हैगी, मर्यादा लंगर पंगत दे विच है। मैं 45 करोड़ का लंगर लगाता, मैं इन्नी सेवा की है, सिखा नूं उहदा लाभ मिलिया? किसी नहीं लाभ मिलिया जी, सिखा नूं की लाभ मिलना? सिखा नूं लाभ मिलना है गुरु घर दे विच उन्हां सिखां दा उधार किया जाए। कीते ने लंगर कीते ने, नो डाउट लंगर कीते ने, बट अपने सिखां भरावां वास्ते की कीता है? अपने सिखां भरावां वास्ते जो जेन्युइन नौकरियां कितनी दित्तियां ने? बेरोजगारी सिखां विच ज़्यादा वध रही है, ये सब तो वड्डा पॉइंट है, पॉइंट कोई भी नहीं चुक रहा। मेरा नाम रविंदर सिंह है। किधर रहते हो? सुभाष नगर। एक गल दस्सो, गुरुद्वारा कमेटी की वोटा आ रही है, वोटा बनाई अपनी? बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार भी वोट पाई सी, हूँ भी वोट पाई। जिहड़े सिंह अपनी वोटा नहीं बनाते हैं और कौम का कितना नुकसान करते हैं? देखो वोट हर किसी को पानी चाहिए है, एक जेन्युइन पार्टी चूज़ करने का हक हर किसी है, बट आज दे इस अजोके मौके अजोके समय च पार्टियां इतने घोटाले हो रहे हैं, तो पार्टियां इन्ना कुछ हो रहा कि कोई इस रोक नहीं पा रहा, भावें सिरसा पार्टी होवे भावें सरना पार्टी होवे। मैं किसी पार्टी दे ओ नहीं कह रहा कि खिलाफ नहीं कह रहा, कि सिरसा पार्टी दे सिरसा जी कहते हैं कि असं लॉकडाउन दौरान अद्धि सेवा की है, तो सारे घोटाले बाजू से बाहर कड़ता है, हम कोई करप्शन नहीं हो रही है, अद्धि सेवा मानते इस गल नूं? देखो ठीक है सेवा की है, बट अंदर दी ऑडिट या वो कई चीज़ा दिखावे वास्ते बहुत होंदिया ने, अंदर होंदा कुछ नहीं है। ठीक है, एक पार्टी दूसरी पार्टी का आरोप लगा रही है, सरना सरना जी सिरसा के आरोप लगा रहे हैं, सिरसा जी सरना के आरोप लगा रहे हैं। कीते ने लंगर कीते ने, नो डाउट लंगर कीते ने, बट अपने सिखां भरावां वास्ते की कीता है? अपने सिखां भरावां वास्ते जो जेन्युइन नौकरियां कितनियां दित्तियां ने? बेरोजगारी सिखां विच ज़्यादा वध रही है, ये सब तो वड्डा पॉइंट है, पॉइंट कोई भी नहीं चुक रहा। मगर एक गल दसो कि यूथ के प्रधान है, नवे प्रधान है, नवी पनीरी हैगी, रिच फैमिली तो बिलोंग करते हैं, लगता नहीं कि कुछ कौम वास्ते वधिया करनगे जित के आणगे? ते देखो यूथ ठीक है, यूथ हर पॉलिटिक्स चाहे भावें देश की राजनीति हो, भावें दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की राजनीति की मैं गल करा, यूथ एक बहुत वड्डा फैक्टर रहा है। ठीक है जी, बट एक यूथ का बहुत वड्डा रोल है, जो जेन्युइनली अगर मैं गल करा एक अजोके समय के अंदर इतना दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कोई अगे आ ही नहीं दिता इन्हों। सत श्री अकाल सर, अपना की नाम है सर? वाहे खालसा वाहे फतेह। नौजवान होने या पुराने सिंह होने जो वोटर नहीं बनाते हैं कौम का कितना नुकसान करते हैं? डेफिनेटली देखो अगर सब तो बड़ी गल साड़ी कमी आई है कि रीजन भी है, मैं उन्होंने भी गलत नहीं कहना चाहता, क्योंकि अज हो की रहा कि जेडे कौम जो अच्छा गाइडेंस दे सकन वो अगे नहीं आ रहे, वो पिछे रह जाते हैं, तो जोड़ा वोट देनी चाहिए जिन्हों वो इस करके पिछे हटता जाता है कि सही बंदा कोई अगर सामने आ नहीं रहा। बंदा जोड़ा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आए वो होना चाहिए अमृतधारी होए, उन्होंने गुरबाणी का ज्ञान होए, गुरु मर्यादा का ज्ञान होए। जब तक गुरु मर्यादा ज्ञान नहीं है असी अपना खड़े हो जाने इलेक्शन और गुरु मर्यादा का हान करी जाने,
तो इस इन्होंने चीज़ों को देख के जो नौजवान नहीं बनवाते वोटा वो इन्होंने चीज़ों को देख के वोटा बनवा तो पिछे हटते हैं। मैं पोलीटिकल सवाल पूछना कि आने वाले वोटा देंगे तो लगता कि पार्टी का जोर ज़्यादा नज़र आ रहा है? मैं किसी पार्टी की गल नहीं करना चाहूँगा, पार्टी जड़ी भी होएगी मैं तो कैंडीडेट को देखना चाहते हर क्योंकि अपने एरिए अपने कैंडीडेट यही कहूँगा जोड़े एरिए जो कैंडीडेट वधिया है जो अमृतधारी है गुरु मर्यादा का ज्ञान रखता उन्होंने देखो उन्होंने वोट पाओ। सिरसा जी प्रधान रहे हैं पिछले दो साल तो उन्होंने काफ़ी सेवा की अगली अगर सेवा वधिया की कि रही मैं तो फिर कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं कमेंट करा तो फिर वही गल आ जाती है दूजी आ पॉलिटिक्स वाली गल आ जाती है मैं पॉलिटिक्स नहीं जाना चाहता। लंगर ऑन व्हील का कॉन्सेप्ट कि सही मानते हो? मैं एग्री नहीं करता लंगर का सिर्फ और सिर्फ जो प्रचलन है वो पंगत संगत और पंगत पंगत बह के संगत होंगी है संगत जरा व्हील उत्ते लंगर तो दूजे लंगर असी नगर कीर्तना लंगर इन्ह चीज़ों के खिलाफ है। मैं बाला साहब हॉस्पिटल की मैं गल करा बाला साहब हॉस्पिटल एक मुद्दा है जो पिछले 10 साल तो लटकया हुआ है कि मानते हो कि कोई हल है या एन जी रहेगा खंडर ही रहेगा? देखो ऐसी गल नहीं गुरु महाराज कृपा करेंगे डेफिनेटली कदी ना कभी जरूर वो कृपा होएगी हूँ कि भाग मिलते हैं किनू सेवा मिलती है वो बारे में कह नहीं सकता। पहले तो मुबारक ब्याह दियाँ बहुत धन्यवाद। अपनी वोट वोटा आ रही वोटा बनाई अपन ब्याह मशगूल रहे केड़िया वोटा गुजारा कमेटी के वोटा चुनाव आ रहे वोटा ठीक वाली ने पाते हो? हाँ जी पाते हैं जी। जो यूथ वोट नहीं पाते बनाते उन्होंने की कहना चाहोगे? पाया करो जी तो बहुत जरूरी है तो अपना लीडर अपना चुन चुनना बहुत जरूरी है जो सेवा थोड़ी सेवा कर सके थोड़ी राइट है बट हाँ देखभाल के पाओ दे पर प्रॉपर देखना चाहिए है क्योंकि मैं पूछना तुम वोट बनाई अपनी? हाँ जी। गुजारा कमेटी वोट पाओगे? हाँ जी। शॉपिंग से टाइम निकल गया वोटा बन रही है शॉपिंग में टाइम निकला है बट यह भी जरूरी है नाली वोटा। हाँ जी। यूनिट में कपल वोटा बनाई जो यूथ वोटर नहीं बना रहा कि सिख बंदा नुकसान कर रहा कौम का कि नुकसान कर रहा कौम का नुकसान होएगा ही जो तुम करेक्ट लीडर नहीं चुनोगे तो। सिंह साहब ना की अपना? मेरा नाम सिंह। गुरद्वारा कमेटी की वोटा आ रही ने बिंग गुरु सिख तुम वोटा बनाई अपन? हाँ जी अपनी वोटा बनी हुई हैं पिछले कई सालों तो पाते भी आ रहे हैं जो वोट पई है। जो सिख गुरद्वारा कमेटी की वोटा नहीं पाते या नहीं बनवाते कौम का कि नुकसान करते हैं? और डबल नुकसान करते हैं जी पहला तो एक कभी वो क्वेश्चन नहीं करन कि जी हाँ जी गुरुद्वारा कमेटी के मैंबर कुछ करते नहीं या खा रहे ने वो कर रहे ने ब्लेमबाजी ना कर सकन ना आप तो वोट पाई नहीं ठीक है जी सैकेंडली फिर ब्लेम करते हैं जी कितने तुम पहले चंगी तरीके नाल अच्छा कैंडीडेट लेके आओ अपनी वोटा पाओ तो फिर तुम क्यों ब्लेम कर सकोगे ब्लेम कर ही नहीं सकोगे। ਜਾਣਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਜੀ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ? ਕਾਰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ ਸਭ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਲੰਗਰ ਔਨ ਵੀਲ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਔਨ ਵੀਲ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲੰਗਰ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਲੰਗਰ ਔਨ ਵੀਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਤਹਿਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਨ ਵੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਔਨ ਵੀਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਖਰਚਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ 45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਤਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਕਦੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸੰਤਗੜ੍ਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀਕੇ ਆਏਗਾ। ਜੀਕੇ ਕਿਉਂ ਜੀਕੇ? ਜੀਕੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਇਲਾਮ ਲੱਗੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਇਹ ਪੋਲਟਿਕਸ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤਗੜੀ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਐਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਟਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਟਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਆਵੇ ਇਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੋਈ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਟਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਟਵਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਤਗੜੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ
मेरा भुपिंदर सिंह है। गुरागंड चुनाव वोटा आ रही है, वोटा बनाई है अपनी? वोटा हाले नहीं बनाई है। क्यों नहीं बनाई? बना लागे टाइम है वोटा नु। 20 तारीख लास्ट डेट थी, 21 दिन होने एक्सटेंड होए ने बस। कोई गल नहीं, नहीं बनानी है तो कोई गल नहीं। असि देखो दिल्ली दे सिखा दी नुमाइंदगी हैगी 10 लाख, तो वोट बनी है 3,76,000 ते पैंती 1.5 लाख भी नहीं हैगी। तो जिनी घट नुमाइंदगी होएगी सरकार उन्नी घट सुनगियाँ। गलती भी तुहाडी अपनी हैगी है। सानू कोई नहीं जी, कोई जिते कोई हारे, असी मेहनत करके खाना है बस। गल नुमाइंदगी कट की नहीं जाएगी ना, फिर की है? कोई फर्क नहीं पैंदा उहदे नाल, बंदे हकूक नहीं मिलणगे। कोई गल नहीं है, नहीं अभी किसी का विचार नहीं हमारा। वैसे तो हिसाब नाल केड़ा प्रधान वधिया रहेगा 5 साल बाद जो हम इलेक्शन आ रहे हैं? कुछ नहीं कर सकते, राजनीति हैगी दोनों की, पता नहीं कौन अच्छा तो कौन बुरा। असं क्यों किसी बुरा चंगा